दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा। दोस्तों आज से 20-25 साल पहले पैदल चलना एक आम बात थी और आज भी भारत के कई गांवों और पहाड़ों में पैदल चलना लोगों की मजबूरी है क्योंकि वहां पर यातायात के साधन बेहद ही कम हैं। लेकिन आजकल लोगों को दो कदम भी पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ती है जिससे उनके स्वास्थ्य पर इसका बेहद ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कई प्रकार की बीमारियाँ उनके शरीर में पैदा होने लगती हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे पैदल चलने के कौन कौन से फायदे होते हैं और पैदल चलने से आप किन किन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों रोजाना सिर्फ 30 मिनट तक तेज चाल से पैदल चलने पर आपको ये फायदे मिलते हैं। नंबर एक, हृदय रहेगा स्वस्थ। दोस्तों रोजाना 30 मिनट वॉक करने से हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा मिलने लगती है जिससे हमारे ब्लड में भी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई होती है जिससे धमनियां बहुत ही अच्छी तरह से काम करने लगती हैं और हमारा दिल भी स्वस्थ रहता है। नंबर दो, पाचन क्रिया में सुधार। दोस्तों पैदल चलने से हमारे शरीर के हर अंग पर प्रभाव पड़ने लगता है और वो ठीक तरह से काम करने लगते हैं और हमारा पाचन भी सुचारू रूप से होने लगता है। इसलिए आपको 30 मिनट की सैर रोजाना जरूर करनी चाहिए। नंबर तीन, डायबिटीज में फायदा। दोस्तों डायबिटीज में हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है जो कि हमारे शरीर के हर अंग के लिए घातक हो सकता है। 30 मिनट तक पैदल चलने से हमारा शुगर लेवल नियंत्रण में रहता है जिससे डायबिटीज से हम बचे रह सकते हैं। नंबर चार, मोटापे का दुश्मन। दोस्तों अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप रोजाना पैदल चलना शुरू कर दीजिए। पैदल चलने से हमारे शरीर में जमा अतिरिक्त फैट भी कम होने लगता है और हमारा मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। नंबर पाँच, कैंसर में फायदेमंद। दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार अगर कैंसर रोगी शारीरिक गतिविधियां करता रहे जैसे कि पैदल चलना, व्यायाम करना, तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं। इसलिए कैंसर में भी पैदल चलना बेहद ही फायदेमंद होता है, हालांकि इसमें उनके रोग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर छः, हड्डियों की मजबूती के लिए। दोस्तों हमारी हड्डियाँ तभी मजबूत रह सकती हैं जब हमारे शरीर को विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता रहे। और दोस्तों विटामिन डी प्राप्त करने का एक आसान तरीका सुबह की सैर करना होता है, इसलिए आपको रोजाना 30 मिनट का समय सुबह की सैर के लिए जरूर निकालना चाहिए। नंबर सात, मांसपेशियाँ मजबूत रहें। दोस्तों अगर किसी को अपनी मांसपेशियाँ मजबूत और ताकतवर बनानी है तो उन्हें सुबह की सैर जरूर करनी चाहिए। सुबह की सैर करने से हमारे शरीर की दो हड्डियों के बीच का फ्लूइड निर्माण होता है जो कि कार्टिलेज के लिए पोषण का काम करता है और हमारी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। नंबर आठ, हाई बीपी नियंत्रण में रहता है। दोस्तों नियमित रूप से 30 मिनट तक पैदल चलने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का निर्माण होता है जिससे व्यक्ति हर समय अच्छा फील करने लगता है और उसका बीपी नियंत्रित होने लगता है। नंबर नौ, फेफड़े मजबूत बनते हैं। दोस्तों लगातार पैदल चलते रहने से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बाहर होने लगती है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है और हमारे फेफड़े मजबूत बनने लगते हैं जिससे फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां, अस्थमा, न्यूमोनिया, टीबी आदि से भी हम बच सकते हैं। नंबर 10, तनाव दूर करें। दोस्तों अगर आप रोजाना पैदल चलते हैं तो हमारे दिमाग में बना हुआ तनाव कम होने लगता है क्योंकि हमारी सांसों में लगातार उतार और चढ़ाव होता रहता है जिससे तंत्रिकाओं को भी गति मिलती है और तनाव देने वाले हार्मोन का उत्पादन भी कम होने लगता है। नंबर 11, स्मरण शक्ति बढ़ाए। दोस्तों लगातार सुबह की सैर करते रहने से दिमाग के हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं और हमारा दिमाग चीजों को याद रखने में सक्षम होने लगता है, इसलिए अल्जाइमर रोग के मरीज को रोजाना पैदल चलने की सलाह दी जाती है। नंबर 12, इम्यूनिटी बढ़ाए। दोस्तों रोजाना पैदल चलने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगता है जिससे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करने लगते हैं और हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति में भी इजाफा होता है। नंबर 13, अच्छी नींद लाए। दोस्तों नियमित रूप से पैदल चलने से हमारे सारे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है और हर अंग सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। परिणाम स्वरूप हर अंग को थकान होने लगती है और हमें अच्छी नींद आती है और शरीर को आराम पहुंचता है। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी इस तरह के वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। We'll be right back.